नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसे होता है। मंथली होता है, ईयरली होता है, वीकली होता है। तो आंसर है ना तो मंथली होता है ना ईयरली होता है, डेली होता है। इसको आप ऐसे समझिए, आपने सोना खरीदा 1 लाख का। अब सोना में कंपाउंडिंग कैसे होता है? आपने 1 लाख का खरीदा, अगर 1% सोना कल बढ़ा तो 1% बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर अगले दिन 1% गिरा है तो गिरता हुआ नजर आएगा। फिर अगले दिन 2% बढ़ा है। तो रोज जो भी पैसा है, मान लीजिए 1 लाख का सोने का रेट 1,10,000 हो गया, आपके सिक्के का वैल्यू 1,10,000 हो गया। कल अगर 2% बढ़ता है तो 1,10,000 पे 2% बढ़ेगा। लेकिन सुविधा के लिए हम साल में कैलकुलेट करके बोलते हैं कि 12% बढ़ा, 10% बढ़ा, 12% बढ़ा, साल में बढ़ा। पर डेली ट्रेडिंग हो रहा है, जो भी चीज मार्केट में डेली ट्रेडिंग होता है उसका कंपाउंडिंग डेली के रूप में होता है। कहने के लिए, सुविधा के लिए हम साल में बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए लगाया आपने, अगले दिन 1% बढ़ा तो 1,01,000 हो गया, अगले दिन फिर 2% बढ़ा तो इसका 2% कितना होगा? 3,020 रुपया एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देंगे। मतलब 1,000 तो पहले से था, 2,020 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ गया। अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट होता तो 2,000 ही बढ़ता, पर यहां पे कंपाउंडिंग हो रहा है, जो पैसा है उसका 2% बढ़ रहा है तो 20 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। फिर अगले दिन 5% डाउन हो जाए तो ये टोटल पैसा का 5% गिरेगा तो 97,000 पे आ गया। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा पैसा बढ़ गया, क्या मूलधन से भी बाद में कम हो सकता है? अगर इतना ज्यादा मार्केट गिर जाए और उस पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा तो पूरे का पूरा जो है गिर के कम हो सकता है। आपका पैसा मान लेते हैं 1,20,000 हो गया तो आप कहेंगे 20% बढ़ गया, पर अगले दिन मार्केट 25% डाउन हो जाए तो 1,20,000 का 25% उतना पैसा गिरेगा, लगभग 30,000 रुपया गिरेगा, तो 95,000 बच जाएगा। तो इस तरह से करके कंपाउंडिंग हर दिन होता है। जो भी पैसा आपका है प्रेजेंट आज, उस पे कंपाउंडिंग होगा। तो लेकिन सुविधा के लिए हम साल के अंत में देखते हैं और जोड़ के बोल देते हैं कि 15% बढ़ गया, 12% बढ़ गया, मिड कैप स्मॉल कैप 18%, 20% बढ़ गया, इस तरह से कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कंपाउंडिंग का खेल लंबे समय में होता क्या है। कोई 5 साल के लिए SIP करते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए SIP करते हैं तो कितना मूलधन आप झोंकते हैं और कितना ब्याज म्यूचुअल फंड बना के दे देता है, उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह का ग्राफ है। हमने सेलेक्ट किया है ऊपर में star SIP.in में जब जाएंगे तो 15,000 रुपये पर मंथ 25 साल के लिए 15% के रेट से 45 लाख जमा होता है, 4,92,00,000 बन जाता है। लेकिन कोई 5 साल के लिए किया हो, ये सारा कैश फ्लो है, कोई 5 साल के लिए किया हो तो 5 साल में 29 में देखते हैं रेड लाइन जो है मूलधन है और ग्रीन लाइन जो है ब्याज है, कमी ब्याज है। फिर यदि 10 साल में देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि ब्याज का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, मूलधन थोड़ा सा कम हो गया है। फिर 15 साल में अगर जाते हैं, 39 में जाते हैं तो यहां पे ब्याज का पोर्शन ज्यादा है 15 साल में, मूलधन कम है। इसलिए बोलते हैं कि आप 15 साल के लिए SIP करेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आप जितना पैसा लगाए हैं उसका 2 गुना पैसा ब्याज के रूप में मिल सकता है। पर यही पैसा अगर 20 साल के लिए हो तो 20 साल में देखिए ये पोर्शन ब्याज का है और ये पोर्शन मूलधन का है, 25 साल में ये पोर्शन मात्र मूलधन है और ये पोर्शन ब्याज का है। तो इस तरह से आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरा एज अगर कम है, यंग है और लंबे समय के लिए रिमेन इन्वेस्टेड रहते हैं तो कितना ब्याज आपको मिल सकता है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे हमने ये प्लॉट ले लिया, हमको क्या करना है, हम तो ऊपर थोड़ी ले जाएंगे, ये तो हमारे बच्चों के लिए है। छोटा बच्चा है, जब जरूरत पड़ेगा बाद में देखा जाएगा, 30 साल तक रहेगा बच्चों के नाम से। पर वो प्लॉट, हम सब लोग ना प्लॉट में घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, इसीलिए इतना प्लॉट फ्लैट का रेट बढ़ता जा रहा है। जो चीज 5 लाख में मिलना चाहिए वो 20-25 लाख में मिलता है, तो गरीब लोग जो जरूरतमंद है उसको खरीद ही नहीं पा रहे। हमारे गांव समाज में तो यही देखा गया है, आप एक प्लॉट बेचने के लिए तैयार हो, बोरा में भर भर के लोग पैसा लेने के लिए तैयार है, अरे हमको दो हमको दो हमको दो, और रेट बढ़ता जा रहा है। अगर वहां से ये लालच खत्म करके अगर रिमेन इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड में रहे लंबे समय के लिए इक्विटी में, तो 30 साल के लिए जो बोलते हैं ना बच्चों के लिए, अगर 20 लाख रुपया का प्लॉट लिए हैं, वो अगर 20 लाख रुपया 30 साल के लिए इन्वेस्टेड हो लंबे समय में, मिड कैप स्मॉल कैप में 15% के रेट से पैसा बनता है 13,24,00,000 रुपया। 1 टाइम 20 लाख रुपया जमा किए हैं और 13,00,00,000 रुपया बनता है लंबे समय में।
उस समय बच्चे को जब जरूरत, जहां जरूरत पड़े वहां फ्लैट प्लॉट खरीद सकते हैं। अभी से गुटकी मार के लगाए हैं, बाउंड्री घेर दिए हैं और ना पेड़ है ना कुछ है, बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारा आप शहर में देखेंगे, 5 किलोमीटर उधर जाइए, शहर के 5 किलोमीटर इधर जाइए, प्लॉटिंग करके रखा हुआ है। पेड़ साग सब्जी कुछ नहीं उगता है उनमें, बस प्लॉटिंग करके रखा हुआ है, बढ़ेगा तो बेचेंगे, बैनर डंडा सब लगा कर रखे हैं कि बढ़ेगा तो बेचेंगे, सेल करने के लिए तैयार है। तो वो ना करके जो भी पैसा आपने ले लिया होगा ना, प्लॉट फ्लैट जहां जहां लिया होगा ले लिया होगा, अब कुछ पैसा जो फर्दर अगला प्लॉट देख रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो इस तरह का फिगर देखने को मिल सकता है। अब यहां पे मैं लगभग 100-100 का SIP 7-8 कर रहा हूं, कभी पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, वो बीच में गलती से ये पोर्टफोलियो रिडीम हो गया मुझसे। तो 100 रुपया का SIP हमने क्या सोचा था आज से 12-15 साल पहले जब कैलकुलेट किया था कि 100 रुपया मात्र पर मंथ 40 साल तक करता रहूं और जब ऊपर जाने लगूंगा, ऊपर तो जाना ही है सबको, तो अपने पोता पोती नाती नतनी को क्या गिफ्ट करूंगा मात्र 100 रुपया पर मंथ से। तो उसका कैलकुलेशन 12-13 साल पहले जो किया था वो इस तरह से, SIP में मात्र 100 रुपया पर मंथ 40 साल तक करते रहे और यदि 19% का रिटर्न मिले, जो कि मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप में मिल जाता है अगर लार्जर AUM वाले फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, 48,000 रुपया जमा होगा, 100 रुपया पर मंथ अकाउंट से कम कट जाता है पता नहीं, 48,000 जमा होता है और पैसा बनता है उस समय यदि 19% का रिटर्न मिले तो 1,20,00,000, यदि 19 का ना मिले तो किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, राजू भैया आप वीडियो बनाए थे जनवरी 2024 में हमको नहीं मिला, 12 भी मिल सकता है, 13 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 9 भी मिल सकता है, कुछ भी नहीं मिल सकता है, ये पृथ्वी खत्म हो जाए जिस तरह का मुकदमा चल रहा है कि जो हम सब जगह बम फाड़ दे, कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो वैसे स्थिति में कोई नहीं होगा तब कुछ नहीं मिलेगा। आप कहेंगे 12 मिलेगा तो क्या होगा, 13 मिलेगा तो क्या होगा, 15 मिलेगा तो क्या होगा, तो 12% के रेट से कैलकुलेट कर लीजिए, 48,000 जमा होगा और पैसा बनता है 11,88,000, जमा तो 48,000 किया है एक बार नहीं, हर महीने जा रहा है, तो 11,00,000 जब ऊपर जाने लगेंगे तो यही गिफ्ट कर देंगे, जस्ट गिफ्ट है कि भाई बच्चे को गिफ्ट करके जा रहे हैं। तो जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा क्या होगा, आप कैलकुलेट करके वेल प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप छोटे छोटे पैसे को लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा उठा सकते हैं। अब यहां पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं, कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इस तरह से है कि आप हमेशा स्मॉल कैप को क्यों प्रेफर करते हैं। मैं बोलता हूं कि स्मॉल कैप टोटल मार्केट में लगभग 5200 कंपनी है, पहला 100 तो लार्ज कैप है, फिर 150 मिड कैप है, फिर जितना बचा सब स्मॉल कैप है, तो कितना अपॉर्चुनिटी है, वैरायटी कितना है फंड मैनेजर के पास। आप लार्ज कैप मिड कैप लेंगे तो बस उतने में 250 में सिमट के रह जाएंगे, लेकिन नीचे बौछार लगा हुआ है, एक छोटा बच्चा हुआ है, कुछ ना भी करेंगे तो जवान होगा वो, बड़ा होगा फिर जाके बाद में बूढ़ा होगा, तो छोटा बच्चा में ही अपॉर्चुनिटी है बड़ा बनने का, जो बड़ा ऑलरेडी हो चुका है वो कितना बड़ा होगा। इसीलिए स्मॉल कैप में आप लगाइए, ज्यादा समय आपके पास है तो, ज्यादा समय मतलब 15 साल 20 साल 25 साल, यदि 30-35 का एज है तो लंबा समय बचा हुआ आपके पास, स्मॉल कैप मिड कैप में लगाइए, ज्यादा बेहतर होगा। जब आपके पास पहला 1 करोड़ रुपया हो जाएगा या आपने जो टारगेट बनाया था 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का जो भी टारगेट बनाया था, उसके बाद आप लार्ज कैप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप बैलेंस फंड जहां लगाना है आप लगा सकते हैं, शुरू में स्मॉल कैप में ही लगाना है। 15,00,000 इन्वेस्ट करना है SWP के ऑप्शन में क्या बेस्ट रहेगा, तो इसके लिए क्वेश्चन अगर पूछने से पहले आप starsip.in पे जाइए और 15,00,000 रुपये आपको लगाना है तो यहाँ पे मेन्यू में 3 नंबर बटन को दाबेंगे, जैसे ही टच करेंगे यहाँ पे 15,00,000 रुपया लिख दीजिए, 15,00,000 लिखने के बाद 15,00,000 हो गया, यहां से आप 10,00,000 में 6,000 बोलता हूं, 15,00,000 में 9,000 10,000 मान लेते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ लिए, पिछला रिकॉर्ड बताता है अगर हम इसको AUM वाइज टच कर लेते हैं तो क्या होगा, SBI हाइब्रिड इक्विटी में किसी ने 15,00,000 रुपया 2014 में लगाया और वहां से इमीडिएट अगले महीने से 10,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया तो टोटल 12,00,000 रुपये विड्रॉ कर चुके हैं और आज बैलेंस बचा हुआ है 34,65,000, लगाए कितना थे 15, वो पैसा बढ़ के भी 34 हो गया है। इस तरह से करके बराबर बराबर 15,00,000 है, 5-5 SBI हाइब्रिड इक्विटी, ICC पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट, HDFC इक्विटी हाइब्रिड, इसमें आप बराबर बराबर करके
तीन जगह पैसा आप लगा सकते हैं, वहां से SWP कर सकते हैं। SWP जरूरत नहीं है तो अभी ऑप्ट मत कीजिए, जब जरूरत पड़ेगा तब ऑप्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका लाइफ म्यूचुअल फंड का जर्नी बताओ। हमने जब शुरुआत किया था तो मात्र 3000 रुपये पर मंथ का SIP निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में किया था। 3000 करके लगभग 8.5 लाख जमा है अभी, और उसमें 35 से 36 लाख रुपया आज के डेट में लाइफ टाइम हाई दिखा रहा है, 20% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिखा रहा है। थोड़ा सा कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमने आज तक पैसा निकाला नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया, हमने एक चीज़ कैलकुलेट करके समझ लिए थे, प्लॉट, फ्लैट, सोना, चांदी कोई भी रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं देने वाला है। देगा तो मोगेम्बो का जो टूल्स है मार्केट, उन्होंने ही बनाया है, उनके साथ 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 हम बढ़ सकते हैं। लेकिन जाग के भी देखना है कि कर क्या रहा है, हमें तो नहीं मार रहा है वो, तो वो चीज़ अब धीरे धीरे पता चल रहा है, भूतकाल के बाद उनके पीछे पड़ना शुरू हुए हैं, पहले ये सब पता नहीं था। मुझे कभी याद नहीं आता है कि अपने सैलरी का मैं 50% 60% इन्वेस्ट और SIP ना करता हूँगा, हर समय करता रहा, कम खर्चा करता था और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता था। कभी भी मार्केट 5% 10% गिरता था तो बैंक अकाउंट में खाली करके इन्वेस्ट कर देता था। ऐसा आपको मैं कहता हूँ 12 साल 13 साल करना है। अब मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, अब सारा पैसा खर्च करता हूँ। तो 10-12 साल अगर इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, एक बात सोच लीजिए, पहला 1 करोड़ रुपया अगर आपने बना लिया, पहला 1 करोड़ 12-13 साल में या 15 साल में, उसके बाद अगर 10% भी ब्याज मिलता है तो 10 लाख रुपया सिर्फ ब्याज होता है। साल का 10% मिले, 15% मिले, 20% मिले तो क्या होगा, आप देख ही रहे हैं। अगर 12% भी होता है तो 12 लाख रुपया साल का ब्याज होता है। तो इस तरह से करके हमने म्यूचुअल फंड में जर्नी शुरू किया था। AUM कम वाले में इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है क्या? अगर आप AUM कम वाले में फंड में इन्वेस्ट करते हैं या AMC में AUM कम है तो फंड मैनेजर जाहिर सा सोच लीजिए बहुत बड़ा नहीं होगा। जिस फंड मैनेजर के पास 1 लाख करोड़ हो मैनेज करने के लिए, उसको अगर 100 करोड़ रुपया मैनेज करने के लिए दीजिएगा तो क्या वो मैनेज करेगा? आंसर है नहीं करेगा। तो ज़्यादा AUM का मतलब मुझे समझ में आता है फंड मैनेजर अच्छा होगा, अनुभवी होगा, एक्सपर्ट होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा AUM वाले में इन्वेस्ट कीजिए। मैं ये भी देखा हूँ बहुत बार AMC ने अपना काम धंधा छोड़ करके एग्जिट कर गए और उस AMC को दूसरे साथ मर्ज करना पड़ा। अगर छोटा AUM है तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो उसमें बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। इसलिए बड़े AUM में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए लंबे समय के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर मेरे पिताजी के पास 10 लाख रुपया है और वो सोचते हैं SWP करके कुछ मंथली इनकम हो सके, तो आप सुझाव बताइए कि मोबाइल से हो सकता है? बिल्कुल, मोबाइल से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, SWP शुरू कर सकते हैं। जो मैं Star SIP में Asset Plus का लिंक है वहां जाके आप अकाउंट क्रिएट करके 10 लाख रुपया है तो 5-5 लाख रुपया करके दो फंड में HDFC और SBI हाइब्रिड इक्विटी में जा करके आप वहां लगा सकते हैं और दोनों से 3-3 हज़ार रुपया SWP कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजू सर क्या PF निकाल के म्यूचुअल फंड में झोंक देना चाहिए? बिल्कुल झोंक देना चाहिए, यदि आपके पास 12 साल 15 साल से ऊपर का टाइम हो, आप रिटायर हो रहे हैं 5 साल में, आपको निहायत ही पैसे का जरूरत है, घर बनाना है, बच्चों की शादी करना है, पढ़ाई करना है, तो पैसा नहीं झोंकना है। लेकिन आपके पास ये पैसा उस तरह से है कि 15-20 साल छोड़ सकते हैं तो निकालिए और स्मॉल कैप में झोंक दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। सर मैं 18 साल का हूँ और इन्वेस्ट कर रहा हूँ UTI Nifty 50 में, बंद करके UTI स्मॉल कैप कर दीजिए क्योंकि आपका एज कम है। HDFC इंडेक्स फंड निकाल करके HDFC स्मॉल कैप कर दीजिए या फिर HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बेहतरीन फंड, ICICI ब्लू चिप बंद करके ICICI स्मॉल कैप या ICICI वैल्यू डिस्कवरी कर दीजिए, एक्सिस मिड कैप इसको भी चेंज करके एक्सिस स्मॉल कैप कर दीजिए और लंबे समय के लिए 10,000 रुपये पर मंथ करते रहेंगे तो 20 साल में 1 करोड़ रुपया होने से कोई नहीं रोकेगा। थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, चिंता नहीं करना है, रिमेन इन्वेस्टेड रहिए, जो मैं चेंज बताया उसको कर लीजिए और 1 करोड़ का टारगेट रखिए। मैं एक फौजी हूँ और मैंने भी 25 साल के एज में अपना फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा शुरू की है। 9 साल के बाद 34 साल के एज में 60 लाख रुपया का कॉर्पस बना लिया है। 6 साल काम करूँगा, फिर वो काम करूँगा जो पसंद है। 1.5 करोड़ का मिनिमम बन जाएगा। अगर आपके पास 60 लाख रुपया है अभी और कुछ कुछ आप SIP भी जा ही रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपया बन जाएगा, 6 ना होगा 7 होगा 8 हो जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है। जिस दिन 1 करोड़ रुपया हो जाए अपने मन मुताबिक काम करने के लिए शुरू कर दीजिए। शुरुआत तो अभी से सोचना शुरू कर दीजिए कि आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा निपुणता कम होगा, एक्सपर्टीज कम होगा, आप मोबाइल से वीडियो से ऑनलाइन करके वो चीज़ सीख लीजिए,
या फिजिकल करके सीख लीजिए। सीखने के बाद पहला 1 करोड़ होगा, समेटिए, अपने मन मुताबिक काम कीजिए। 1.5 करोड़ 6 साल 7 साल 8 साल में हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मन मुताबिक काम करना है, ये ज्यादा मायने रखता है। आगे है सर, पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए। क्वांट स्मॉल कैप में 50,000 लमसम, 4,000 का SIP, बेहतरीन फंड। महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप में 50,000 लमसम और 4,000 का SIP, बेहतरीन फंड। स्मॉल कैप है इसलिए बेहतरीन बोल रहा हूं। आपने नए AMC में लगा दिया है, चलेगा, स्मॉल कैप है, चलने दीजिए। मेरा ऐसा टैक्स सेवर 50,000 पे वन टाइम और 2,000 का SIP, टैक्स सेविंग के लिए 80C के लिए जरूरत है, तो यह भी बेहतरीन फंड है। कोटक महिंद्रा NPS फंड निकाल लीजिए, कोटक के इमर्जिंग इक्विटी, कोटक के स्मॉल कैप में लगा दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। तो आपका इस तरह से चेंज करके आप 15 से 20 साल के लिए रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, 1 करोड़ का टारगेट रखिए। बीच बीच में मार्केट गिरता है 3%, 5%, 10%, डरिए नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे लगाते रहिए, 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। बाहर देश में रहते हैं और अभी इंडिया में प्रॉपर्टी सेल किया है और 50 लाख रुपए का कॉर्पस है, कहाँ लगाएं? इसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि आपको यहाँ से SWP चाहिए या फिर आपको जरूरत नहीं है पैसे का। अगर जरूरत नहीं है तो स्मॉल कैप में 10-10 करके 5 फंड में लगा के छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप जैसे ही StarSIP.in पे जाएंगे, AUM वाइज आप सेलेक्ट कर लीजिए स्मॉल कैप, यहाँ पे 50 लाख रुपये का टच करके 50 लाख का फिगर आ जाएगा। उसके बाद आप जो फंड आता है AUM वाइज, उसमें 10-10 लाख रुपया करके 5 जगह आप पैसा लगा सकते हैं, यदि आपको इन पैसों का जरूरत नहीं है 15-20 साल तक। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2014 में 50 लाख रुपया वन टाइम लगाया था तो उसके पैसे का वैल्यू है 5,77,00,000। ऐसा नहीं कि उसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है तो सारा पैसा वहीं झोंक देंगे। 10-10 लाख रुपया करके HDFC स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप ने बनाया है 50 लाख का वन टाइम का वैल्यू 5,29,00,000। एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप में इस तरह से करके लगा देंगे। SBI और निपॉन वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है, तो आप क्या करेंगे, STP के थ्रू, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू, मैक्सिमम SIP के थ्रू या STP के थ्रू आप उसमें लगा के 1-2 साल के अंदर छोड़ देंगे और उस पैसे को आप लंबे समय के लिए छोड़ देंगे। लेकिन यदि आपके पास पैसे का जरूरत है, वहां से पेंशन लेना है 30-35 हज़ार रुपये पर मंथ, तो आप बैलेंस कैटेगरी में लगाएंगे। एग्जैक्टली जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कुछ और वीडियो देखिए और क्लियरिटी हो जाएगा कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है, राजू भाई मेरा उम्र 36 साल है, 16,000 का सिप हर महीने जा रहा है, वीडियो देखकर शुरू किया है, 50 लाख का टारगेट है, आने वाले 10 साल में फिर SWP करूंगा। बिल्कुल 16,000 रुपये पर मंथ यदि आप कर रहे हैं तो 10 साल में 50 लाख का होना कोई बड़ा बात नहीं। यदि आप इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि 16,000 रुपये पर मंथ में कर रहा हूं, तो यहां पे आप 16,000 रुपये लिखिए, 16,000 रुपये पर मंथ और 10 साल का आपने समय दिया है, 15% के रेट से 44 लाख रुपये बनता है, 44,58,000। चलो 10 में नहीं बनेगा, 12 में बन जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, 64 लाख रुपये बन जाता है। आपने यदि अगर मिड कैप स्मॉल कैप में लगाया है तो ये कॉर्पस बन सकता है, थोड़ा कम होगा ज़्यादा होगा ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। आप 12% से खुश रहिए, 15 से ऊपर मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। तो इस तरह से करके आप खुद कैलकुलेट करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक गाना जो आपको पूरे 2024 में गाना है कि लाइट ऑफ हो गया काटा नहीं, लाइट ऑफ हो गया काटा नहीं, लाइन में लगे हुए हैं, इवेंट चलेगा अभी, तो गाना गाना है लाइट कट गया और पर्ची काटा नहीं, लाइट कट गया पर्ची काटा नहीं, इस तरह से करके गाना गाते रहना है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार शुरुआत करना चाहते हैं तो StarSIP.in में जब जाएंगे आप अकाउंट क्रिएट करके मिनिमम 100 रुपये का SIP कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।